जय गुरु जी। आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है। 14 साल हो गए जब गुरु जी ने चोला रूप छोड़ के विराट रूप ले लिया। जब 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ा तो उस समय का दृश्य पूरा सामने आ जाता है और एक बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग जो उस समय थी, जो इमोशंस हर्ट हुए, जो दुख हुआ, आज वो सारे का सारा गुरुजी की ब्लेसिंग और मेर में बदल गया। मेरे को याद है मैं कानपुर में पोस्टेड था। मेरे को सुबह 8 या 9 बजे मैसेज आया ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में। कोई डायरेक्ट कनेक्शन उन दिनों में कानपुर से थे नहीं, फ्लाइट नहीं थी। अर्लीस्ट आई कुड हैव टेकन ए फ्लाइट फ्रॉम लखनऊ इन द इवनिंग एंड आई रीच्ड बड़े मंदिर बाय 8 o'clock। माय वाइफ अलोंग विद मदर दे आल्सो ड्रॉप डाउन फ्रॉम चंडीगढ़, दे आल्सो रीच मे बी अर्लियर टू मी। गुरु जी को बड़े मंदिर में हॉल में कैस्केट के अंदर देख के रोना तो आना ही था, लेकिन एक ऐसी फीलिंग हुई कि हम सब अनाथ हो गए। उन्होंने हर एक को अपनापन दिया, हर एक को इतना लाड दिया, इतनी पैम्परिंग दी कि हर कोई सोचता था कि बस गुरुजी मेरे हैं और हर चीज हर मुश्किल को वो संभाल लेंगे, मेरे को किसी किस्म की फिक्र नहीं है। ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी का लॉस फील होने लगा। हम बड़े मंदिर पहुंचे जहां गुरुजी की कास्केट थी, कुछ संगत हम वहीं बैठे रहे काफी लेट तक, रात के में कल 12 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, क्या होगा आगे जाके। किसी ने आके कहा लंगर ले लो, दिल नहीं था पर सबने कहा नहीं ये नेसेसिटीज है लाइफ का, बी प्रैक्टिकल। गुरु जी वॉज ऑलवेज सेट आई एम प्रैक्टिकल गुरु तो यू शुड बी प्रैक्टिकल। हमने लंगर भी लिया, फिर हमें कहा गया कि रात को घरों घर चले जाओ और कल सुबह क्रिमेशन के लिए, संस्कार के लिए आ जाइएगा। जब नेक्स्ट डे मैं और मेरी वाइफ वहां पहुंचे, एक बड़ा ही दुख वाला, दुखद और बड़ा ही भावनात्मक दृश्य सीन, जैसे गुरुजी को बड़े हॉल में से रंगोली से होते हुए सीढ़ियों से निकालते हुए समाधि वाली जगह पे लाए। वो अपने आप में एक दुखद चीज तो थी देखने के लिए और साथ में एक और चीज का भी बहुत दुख हो रहा था कि उस समय एक यंग लड़का 19 या 20 साल की उम्र रही होगी गौरव, उसको कहा गया कि ही विल लिट द फायर। कुदरती बात है, फैमिली में से वही था और उनके पास भी रहता था, लेकिन उसके जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन थे मेरे को आज भी याद है, वो इतना ज्यादा रो तो रहा ही था लेकिन इतना इमोशनली डिस्टर्ब था कि उसका क्या होगा, वो तो गुरुजी के भरोसे ही दिल्ली में रह रहा था। और एक तरफ गुरुजी को देखें कि वाकई जा रहे हैं, एक तरफ हम गौरव को देखें कि बेचारे यंग से लड़के के ऊपर क्या जिम्मेदारी कि आप लिट करिए पायर को। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, जो देखते हैं वही फील कर पाते हैं। हमारे में से जो भी संगत उस समय उस दृश्य को देखी होगी तो सब मेरे साथ सहमत होंगे कि बहुत ही ये इमोशनल सीन था। एनीवे, उस समय तो क्रिमेशन हुई, संस्कार हुआ गुरुजी का, एक इनसिक्योरिटी थी लेकिन ऐसे लगा कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे को याद है कि उसी दिन शाम को 1 जून को ही एक दो संगत में बैठे लोगों ने कहा कि मैं तो अभी पीछे किचन के पास गुरुजी को जाते हुए देखा है। बात समझ में नहीं आई।
हमने सोचा ये उसकी हेल्यूसिनेशन है या उसकी इमेजिनेशन है, या वो शॉक से बाहर नहीं आ रहा, या वो ट्रॉमा में है, जैसे हम सब कुछ सोचते हैं। उस समय तो हम उस बात को इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन कॉग्निशंस भी नहीं लिया, सुन के अनसुनी कर ली। लेकिन हौली हौली जब गुरुजी अपने विराट रूप में दर्शन देने लगे, सपने में आने लगे, मैसेजेस देने लगे, तो तब बात समझ में आई कि जो संगत ने उस दिन अगले ही दिन कह दिया था कि मैंने गुरुजी को बैक किचन के पास 1 जून को ही देखा था, वो वाकई सच था। अगर वो सच था तो फिर गुरुजी कहीं नहीं गए। ये गुरुजी के अल्फाज उनके आप मुखारविंद से कि मैं इंसानी जामा में हूं, मेरे ऊपर बहुत बंदिशें हैं। सुनते थे लेकिन समझ नहीं आती थी। उस समय हमें ये नहीं लगा या किसी को भी ये समझ नहीं आई कि महाशिव भगवान गुरुजी सिर्फ देखने के लिए कि उनकी बनाई दुनिया कैसे चल रही है एक इंसानी जामा में आए हैं, अपनी मर्जी से ही आए हैं और अपनी मर्जी से ही जाएंगे। ये बात का एहसास बहुत बहुत लेट हुआ। अब जो जुड़ गए हैं उनको अभी हो रहा है, कईयों को अभी भी ये एक मिस्ट्री सी लगती है, लेकिन फैक्ट यही है कि गुरुजी जो खुद महाशिव थे, एक इंसानी जामे के रूप में दुनिया देखने आए थे, और सबसे बड़ी बात उनकी बनाई रची हुई दुनिया में उन्होंने कोई नोक टोक नहीं की, सिर्फ यही सबको बताया सिमरन करो, सिमरन करो, किसी का बुरा मत करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ये कुछ प्रिंसिपल्स असूल गुरुजी ने उस समय अपनी लाइफ टाइम में जो सिखाए वो हम हौली हौली करके आज उनको समझ पा रहे हैं। हर साल गुरुजी की महासमाधि दिवस पे 31 मई को बापूजी गुरुजी के रिस्पेक्टेड फादर श्री अखंड पाठ साहिब कराते हैं, जिसका भोग 31 को होता है। आपको मालूम है हर साल बहुत हजारों में संगत जुड़ती है वहां पे, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग देती है। लेकिन इस दफा कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से संगत तो नहीं आ पाई, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बापूजी ने वो प्रथा आज भी कायम रखी, और आज सुबह डुगरी में ही श्री अखंड पाठ साहब का भोग हुआ, उस उपरांत कीर्तन हुआ, अरदास हुई। जैसी मर्यादा 14 साल से चल रही थी उसको ऐसे ही चलने दिया, एक्सेप्ट लॉकडाउन की वजह से संगत की हाजिरी लिमिटेड है, पंजाब में 20-25 के लोग होंगे, लेकिन प्रथा को नहीं छेड़ा। और गुरुजी के प्रति जो प्यार और भावना जो बापू जी की या गुरु परिवार की, वो उन्होंने उसी तरीके ही कायम रख के संगत को ये बताना जरूरी समझा कि अगर बापू जी श्री अखंड पाठ साहब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रखते हैं तो इन दिनों में भी जरूर रखेंगे। इसी 31 मई 2015 को गुरुजी के माताजी के नाम के ऊपर माता सुरजीत कौर मेमोरियल हॉस्पिटल डुगरी में खुला। ये एक गुरुजी की बड़ी इनर विश थी कि उस एरिया में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए जहां लुधियाना जाना पड़ता है जहां और दूर जाना पड़ता है, मलेरकोटला भी छोटा शहर है, और ये गुरुजी चाहते थे कि एक मेडिकल फैसिलिटी लोगों के लिए की जाए। और इस चीज की मैं बहुत शलाघा भी करूंगा, गौरव अंकल को मुबारक दूंगा कि उन्होंने ये सपना गुरुजी का पूरा किया। और ये हॉस्पिटल माता सुरजीत कौर मेमोरियल हॉस्पिटल 2015 31 मई से शुरू हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ। शुरू शुरू में दिक्कतें होती हैं, रिमोट एरिया है, रहने की फैसिलिटी नहीं है, कुछ डॉक्टर आए, कुछ छोड़ते चले गए, कुछ रह गए, लेकिन देखते ही देखते ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो 5 मंजिला है
इसके अंदर हर स्पेशलिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दी और आसपास के सारे ही गांव के लोग दूर दरेड़े से आके इस मेडिकल फैसिलिटी का फायदा लिया। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसके अंदर 50 बेड्स हैं और 5 प्राइवेट रूम भी हैं। हर मेडिकल फील्ड, यू नेम इट, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, आई एंड व्हाट नॉट, सबके सब फैकल्टीज के डॉक्टर वहां मौजूद हैं। कुछ परमानेंट वहां पे हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितनी जरूरत है, कुछ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, डुगरी में हर फर्स्ट संडे को गुरु जी का सत्संग होता है जिसमें हजारों की संगत जुटती है। उस दिन हर फर्स्ट संडे को हर महीने 2015 से लगातार अप टिल लास्ट ईयर, जब तक कोविड नहीं शुरू हुआ, मेडिकल कैंप भी लगता था जिसमें कम से कम 1200 की संगत, 1200 लोग आके अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम का इलाज कराते थे। और इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट सिर्फ कैंप्स में ही आते थे, ताकि एक ही दिन में 1200 आदमी को अगर आपने ट्रीट करना है तो यू नीड मोर डॉक्टर्स, मोर फैसिलिटीज, एंड ऑल दिस वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वेरी स्मूथली। आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि कोविड की पॉसिबल थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए माता सुरजीतपुर हॉस्पिटल ने और गौरव अंकल के पर्सनल एफर्ट से हमने वहां 5 आईसीयू बेड आज शुरू किए हैं, 2 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और 2 नई और एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर फिटेड है, अगर कोई कोविड पेशेंट किसी भी दूर गांव में हो उसको लाने के लिए, ताकि रास्ते में उसको मुश्किल ना हो, ये प्रयास करके ये आज 31 मई 2021 को 5 आईसीयू बेड, 2 वेंटिलेटर और 2 नई एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर ये आज ऐड की गई हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए की गई हैं। और अगर जैसे कि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट का अनुमान है कि थर्ड वेव कोविड की आने वाली है, तो उसकी तैयारी जैसे बाकी लोग, बाकी सरकार, बाकी एनजीओस कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से इसको ये तैयारी की है और पूरी उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर हम भी लोक सेवा में वैसे ही एक्टिव होंगे, प्रोएक्टिव होंगे, जैसे कि बाकी लोग इस मुसीबत और इस महामारी में सबका साथ दे रहे हैं। तो ये तो मंदिर के बारे में और गुरु जी की महासमाधि के बारे में। आज सुबह से ही सारी दुनिया में बहुत सत्संग हो रहे हैं, बहुत शब्द कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं और संगत गुरु जी की महासमाधि के ऊपर जुटी हुई है। मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आई हैं फार फ्रेंक वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका, कनाडा में, क्योंकि अभी दिन शुरू हुआ है, आज पूरा दिन वहां भी चलते जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो गुरु जी जिन्होंने कभी पब्लिसिटी नहीं की, जिनके बारे में कभी आर्टिकल नहीं छपा, जिनके बारे में लोगों को किसी मीडिया से नहीं पता चला, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी होगी कि दुनिया के कितने ही शहरों में, जो मेरा एस्टिमेट अनुमान है एज ऑफ टुडे, तकरीबन 300 शहर दुनिया के ऐसे हैं जहां गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं। तो ये फख्र की बात है। और ये गुरु जी का मैसेज जो बहुत था कि संगत जोड़ो, उसकी तरफ एक बहुत आलीशान कदम है। मैंने इस प्लेटफॉर्म से 3 दफा पहले आपके साथ सत्संग किए, वो सारे ही सत्संग गुरु जी की लाइफ टाइम के दौरान हुए और जो एक्सपीरियंस किए गए वो सत्संग आपके साथ शेयर किए। क्योंकि आज महासमाधि दिवस है और मैं चाहता हूं कि आज मैं एक वो सत्संग करूं जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद मेरे साथ हुआ, ताकि अगर किसी के मन में ये शंका रत्ती भर भी हो
कि जिन लोगों ने गुरुजी से मिले, जिन्होंने गुरुजी को देखा, गुरुजी के साथ रहे, वो ब्लेस थे, हम तो बाद में आए। ऐसा नहीं है। जब जब जिसको गुरुजी ने बुलाना था उसको तभी आना था। और आज तो बहुत ब्लेसिंग हो रही है, नो डाउट, बड़ी संगत बढ़ रही है, नो डाउट। लेकिन मैं एक ऐसा सत्संग सुनाऊंगा जो गुरुजी की महासमाधि के बाद हुआ, लेकिन सारा सत्संग गुरुजी ने ही रचा। ये बात है दिसंबर 2010 की, दिसंबर 2010। मैं और मेरी फैमिली, दोस्त डेज आई वॉज इन सर्विस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग हॉलिडे के ऊपर केरला गए। केरला में वी वेंट टू कोचीन, उस समय कोचीन बोलते थे, आजकल कोची बोलते हैं। वी आर एंजॉइंग आवर हॉलीडेज, वी आर इन बैकवाटर रिजॉर्ट। और एक दिन वहां से 4 घंटे दूर है मुन्नार, जैसे टाटा टी एस्टेट, वेरी फेमस, उसको देखने के लिए हम लोग सुबह कोचीन से मुन्नार के लिए निकले। हम दोपहर को वहां पहुंचे, गेस्ट हाउस में रुके, लंच लिया। उसके बाद टी एस्टेट देखने के लिए उन्होंने कहा जी 45 मिनट से घंटे की ड्राइव है, जो अप हिल है, मतलब अब आप कोचीन से जब मुन्नार जाते हो 3 घंटे का रास्ता तो स्ट्रेट प्लेन है और 1 घंटा जो पहाड़ी इलाका है। तो हम उस पहाड़ी इलाके से चलते हुए लश ग्रीन टी एस्टेट देखते हुए, टी गार्डन देखते हुए, जो टाटा टी वालों की फैक्ट्री है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ चाय बनती है, वहां पे पहुंचे। क्योंकि मैं, एज आई टोल्ड यू, आई वाज विद द गवर्नमेंट, मेरे साथ स्कॉट ऑफिसर भी था और हम सब लोग टाटा टी एस्टेट में टी फैक्ट्री पहुंचे और वहां पे उन्होंने हमें पूरा चाय बनाने का प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे लेबलिंग होती है, कैसे मार्केटिंग होती, पूरा समझाना शुरू किया। मेरे लड़के ने कई क्वेश्चन पूछे, रेड लेबल चाय कैसे बनती है, ग्रीन कैसे बनती है, येलो, जो नॉर्मल इनक्विजिटिव क्वेश्चंस होते हैं बच्चों में, बड़ों में भी, वो पूछ रहा था। और मेरे को उसी टाइम थोड़ी सी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई और मैं अपने आप को विदड्रॉ करके प्लांट मैनेजर के कमरे में चला गया। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करता हूं क्योंकि ये सब कुछ मेरा तो देखा हुआ है आगे पहले भी। लेकिन वो नॉर्मल अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं थी, मेरे को कुछ ही मिनटों में लगा कि मेरी चेस्ट में पेन हो रही है। अब इससे पहले कि कुछ कंक्लूड करो, उसके साथ ही लेफ्ट आर्म में भी पेन शुरू हो गई और पसीना आना शुरू हो गया, स्टार्टेड स्वेटिंग। इफ यू हैव चेस्ट पेन कपल्ड विद पेन इन द आर्म एंड विद स्वेटिंग, इट्स नॉर्मली एन इश्यू रिलेटेड टू हार्ट। तो समझ लगी कि हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन है। मैंने इमीडिएटली फैमिली को कमरे में बुलाया और बताया ऐसे ऐसे हो रहा है, कुदरती बात है, थोड़ा पैनिक हो भी जाता है। और मेरे लड़के ने कहा फौरन डॉक्टर बुलाओ, और मैनेजर बोलता है साहब यहां से तो कोई मेडिकल फैसिलिटी एकदम है नहीं, बेस में यहां से आप चले थे वहां पे एक टाटा वर्कर्स के लिए छोटा सा हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर अगर कांटेक्ट हो जाए उसको आने में भी 45 मिनट एक घंटा लगेगा, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम परेशान। एक चीज उस दिन मैंने देखी, समझी और आपके सबके साथ शेयर कर रहा हूं कि फैमिली में ऐसे किसी की प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ की, सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, पैनिकी हो जाते हैं। जो गुरु के भगत है वो गुरु का सिमरन करना शुरू कर देते हैं।
हम तीनों ने, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे ने, जो जो हमारे पास था, वेदर पेंडेंट था या स्वरूप था, उसको हाथ पे पकड़ के गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और गुरुजी का सिमरन शुरू कर दिया। ये चल ही रहा था कि डॉक्टर तो कांटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन विद इन 3-4 मिनट्स ऑफ माई गेटिंग दिस प्रॉब्लम, द सेम डॉक्टर जिसको हम ट्राई कर रहे थे, कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वही डॉक्टर अपनी नर्स के साथ मेरे सामने आके खड़ा था। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू हैपन। एंड द मैनेजर सेड, डॉक्टर साहब, हम आप ही को ट्राई कर रहे हैं बड़ी देर से। एंड ही सेड, मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा चल तेरे साथ चाय पिए जाऊं, दे मस्ट हैव बीन फ्रेंड्स। और उन्होंने आके जब मेरे को एग्जामिन किया, और वो तो समझ गए, उन्होंने एकदम पॉकेट से एक इको स्प्रिन दी जो ब्लड थिनर होती है, और एक पॉकेट में से सॉबिटेट दी, और बोले कि देखो क्या चांस की बात है, मैं 3-4 दिन पहले किसी हार्ट पेशेंट को देखने गया था, यही जैकेट डाली हुई थी, आज मैं यही जैकेट डाल के फिर आ गया, देखो इसके काम आ गए पेशेंट के। उनको नहीं पता था, ना हम उनको उस समय बताने के मूड में थे, कि गुरुजी की संगत, गुरुजी कहते थे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं रेगुलेट करता। डॉक्टर का भेजना, उसके हाथ में वो बेसिक मेडिसिन होना, ये सब गुरुजी का किया था। एनीवे, वो डॉक्टर साहब टाटा इंडिगो गाड़ी में थे, और वो आपे गाड़ी में बैठे, साथ उनके नर्स, स्टाफ नर्स, और पीछे मैं और मेरी वाइफ बैठे, और उन्होंने कहा चलो बेस हॉस्पिटल चलते हैं। हम चल पड़े, और पीछे पीछे मेरा लड़का और मेरा स्कॉट ऑफिसर इनोवा में, जो हमने वहां पे हायर की थी, उसमें आ रहे थे। वो जो पहाड़ी इलाका, जिगजैग रास्ता, जिसको कम से कम 45 मिनट्स लगने थे मिनिमम, माय सन टोल्ड अस लेटर कि पापा मैं इनोवा में 100 की स्पीड पे भी चला, 110 पे, हालांकि बहुत जिगजैग था, ड्राइवर को बोला भगाओ, लेकिन आपकी गाड़ी मेरे को नजर ही नहीं आई, आप कैसे 20-25 मिनट में वहां पहुंचे। उसका बड़ा दृढ़ विश्वास है कि वो गाड़ी गुरुजी ही चला रहे थे, ये विश्वास की बात है। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ बेसिक टेस्ट किए गए, इट वॉज कंफर्म्ड दैट दिस इज ए हार्ट प्रॉब्लम। एंड देन डॉक्टर सेड के वी डू नॉट हैव एनफ फैसिलिटी, आपको तो कोचीन ही जाना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल में। अब शाम के 5-6 बज चुके थे, उस पहाड़ों में कुछ ऐसा रूल है कि एम्बुलेंसेस पहाड़ों में अनलेस इमरजेंसी रात को नहीं जाती हैं। तो मेरे ऑफिसर्स ने एक नेवल चॉपर, नेवल हेलीकॉप्टर अरेंज किया जो मेरे को ट्रांसपोर्ट कर सके वहां से, मुनार से कोचीन, बट डॉक्टरों ने कोचीन से मना कर दिया कि हार्ट पेशेंट को फ्लाई मत करके लाइए। बट एनीवे, गुरुजी की कृपा हुई, एम्बुलेंस लाने की परमिशन मिली, क्योंकि वो छोटी जगह है तो एम्बुलेंस भी कोचीन से ही आई। वो रात को मेरे ख्याल में 2 बजे के करीब एम्बुलेंस पहुंची, और वो एम्बुलेंस मेरे को कोचीन सुबह 6 बजे लेके आई। जब मैं कोचीन आया तो आई वॉज एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल कॉल्ड एम्स, जैसे दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, वहां भी एम्स है, लेकिन उसका नाम है अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, माँ आनंदमय माँ ट्रस्ट उसको चलाता है। जब मैं वहां पहुंचा, इनिशियल टेस्ट हुए, वहां के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हरिदास मेरे को मिलने आए, अबाउट 9 or 10, ही एग्जामिन मी एंड ही टोल्ड मी कि कुछ टेस्ट, मैं टीम को कह रहा हूं कंडक्ट करे, और नारंग साहब, ही टोल्ड मी, नारंग साहब, मैं ना हर महीने अम्मा के पास जाता हूं,
अम्मा इज द स्पिरिचुअल हेड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, शी हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग. तो इफ यू परमिट कैन आई गो, इट इज अबाउट 4 आवर जर्नी, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 1-2 घंटा वहां रुकूंगा, तो मैं रात को 8, 8:30, 9 तक पहुंच जाऊंगा. तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये तो आप हमको एम्बेरस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट की परमिशन नहीं मांगता, बट ही इज शोइंग कर्टसी, क्योंकि बिटवीन नाइट एंड मॉर्निंग लॉट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव गिवन हिम अ रिंग, बिकॉज वेयर एवर आई हैव वर्क्ड नेचुरली यू डेवलप फ्रेंडशिप, यू डेवलप रिलेशनशिप. वो करते कराते मैंने कहा डॉक्टर साहब के मैं तो आईसीयू में ही हूं, यहां और भी डॉक्टर हैं, यू आर एचओडी, आप जरूर जाइए. मैं गुरु भगत हूं और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर आप अम्मा भगत हैं तो यू मस्ट गो, आई हैव नो बॉडी टू स्टॉप यू और रिस्ट्रिक्ट यू. तो ही वेंट, वो चले गए, कुछ टेस्ट हुए जिनकी रिपोर्ट आफ्टरनून आ गई, दैट रिपोर्ट वाज नॉट वेरी एनकरेजिंग, पर उन्होंने हमें नहीं बताया. वो वेट कर रहे थे कब डॉक्टर हरिदास वापस आए तो उनके साथ वो डिस्कस करें. 4 बजे होंगे, 4-5 के बीच, कि सडनली डॉक्टर हरिदास अपीयर्ड बिफोर मी इन माय रूम. आई वाज क्वाइट टेकन अबैक, डॉक्टर साहब आप तो 8-9 बजे आने वाले थे, कैसे आ गए इतने जल्दी? इसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत अजीब हादसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ. तो कहने लगे कि जब मैं 3 घंटे की जर्नी कर चुका था, अभी आश्रम से 1 घंटा दूर था, तो सडनली एक वॉइस जो अम्मा की वॉइस थी उसने कहा डॉक्टर गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू, अपनी लोकल लैंग्वेज में मलयाली में कहा होगा. ही थॉट कि ये मेरे मन का वहम है या मैं इमेजिन कर रहा हूं, बट द वॉइस वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड ही आस्क्ड हिज वाइफ डिड यू हियर एनीथिंग. तो डॉक्टर साहब की वाइफ जो साथ बैठी थी कार में, शी से जो तो अम्मा कह रही है कि डॉक्टर यू गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू. तो नेचुरली शी सेड कि नहीं नहीं वी मस्ट गो बैक, हम अम्मा भगत हैं, उनकी बात को टाल नहीं सकते. दे रिटर्न मिड वे एंड दे नेवर रीच द आश्रम. तो फिर उन्होंने, वाइफ ने पूछा होगा कौन पेशेंट एंड ऑल दैट, ही सेड एक ही पेशेंट आज आया है सुबह, कोई दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन आई डोंट नो, अम्मा ने भेजा तो कुछ कारण होगा. वो वापस आए, आते उनको पता चल गया कि प्रॉब्लम निकल आई, और उन्होंने कहा आपकी इमीडिएटली एंजियोग्राफी की जाएगी. मेरी एंजियोग्राफी हुई, उसके अंदर 2 आर्टरीज 90% ब्लॉक निकली, 1 70%, और उन्होंने कहा कि अब आप फैसला करिए, अगर आपने स्टेंट डालना है तो मैं अभी डाल सकता हूं, और अगर आप बाईपास करना चाहते हैं तो वो हम फिर कल के लिए प्लान करेंगे. अब डॉक्टर का पूछना एक प्रोटोकॉल है, पर हम में से कोई भी इतना मेडिकली एक्सपर्ट नहीं जो इसका जवाब दे पाए या ओपिनियन दे पाए. सो माय वाइफ एंड माय सन वेंट आउट एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू ऑल द डॉक्टर्स हूएवर वी न्यू फ्रॉम चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे. And they were also in touch with the doctor, concerned doctor, but they all said के जो doctor on the spot है वो ही इस चीज का ज्यादा decision ले सकेगा, better decision ले पाएगा, rather than we telling him from here. जब ये चल ही रहा था, मैं कहा तकरीबन एक तो after angiography 45 minutes 1 hour कोई decision नहीं हो पा रहा था, and suddenly when I was lying on the table in theater after angiography, Guruji again came
and very loud and clear spoke to me and my in my ear saying, "Stent pua te karja." So this was a very clear message ki stent hi dalwane hain aur jaldi se wapas jana hai. I immediately called back my family from outside. I said, "Don't need to consult any doctor." Guruji ka message aa gaya. Foran stenting ki gayi. 3 stent mere ko us samay dale. Night was comfortable. Next morning doctor came for a round. He says all parameters are fine. And Mr. Narang, can I go to meet Amma today? Kyunki kal ko to wapas aa gaya tha raste mein se. Main kaha, why not? You must go. And I am comfortable. So he went. And he came back in the evening as scheduled. Aur aake mere ko mere kamre mein aaye aur aake kehte, aaj fir ek bahut ajeeb daastan hui mere saath. मैंने कहा, डॉक्टर व्हाट हैपन टुडे? ही सेज, आज जब मैं अम्मा के पास पहुंचा, उनके चरण स्पर्श किए, मैं 18 साल से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, हर महीने जाता हूं, कहते पहली दफा अम्मा ने मेरे को पूछा, हाउ इज द पेशेंट फ्रॉम दिल्ली? उसने ये सोचा कि कोई ऑफिसर है, इन्होंने किसी से कलवाया होगा अम्मा से कि ब्लेसिंग वगैरह दें. तो कहते मैंने अपने तरीके से बताया. एंड देन फर्स्ट टाइम अगेन ही हर्ड फ्रॉम अम्मा माउथ सेइंग शिव शिव. व्हेन ही शेयर्ड विद मी, आई टोल्ड हिम, दिस इज माय गुरु एट वर्क. जो मेरे गुरु जी हैं, वो जो कल आपको वापस भेजा गया या आज आपको पूछा गया और शिव शिव कहा गया, ये मेरे गुरुजी जो हैं, ये शिव अवतार हैं. ये जस्ट हैपन टू डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म, बट ही इज लॉर्ड मां शिव हिमसेल्फ. उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से और उनकी जो टीम दो चार थी, सब बड़ी एंग्जाइटी से पूछने लगे, कौन है गुरुजी? मैंने सत्संग भी हॉस्पिटल में उनके साथ छोटे छोटे शेयर किए. लेकिन आई डोंट ब्लेम देम. नो बॉडी कैन बाई कपल ऑफ आवर्स लिस्निंग टू सत्संग बाई कपल ऑफ आवर्स फॉर कपल ऑफ आवर्स, नो बॉडी कैन बिलीव कि लॉर्ड शिव हैज कम ह्यूमन फॉर्म. बट एनी वे दे डिड लिसन विद रिस्पेक्ट, डिडंट इग्नोर माई थॉट प्रोसेस. एंड विद इन 2-3 डेज आई वॉज कंफर्टेबल. एंड मेरे को याद है कि उन्होंने कहा, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो बैक. तो 22nd नाइट को मैं इवनिंग फ्लाइट लेके कोचीन से दिल्ली आ गया. अब मैं दिल्ली पहुंचा तो घर जाने के बाद पहला थॉट मन में ये आया कि अगले दिन जाके मंदिर गुरु जी का थैंक्स करके आऊं. हालांकि मेरे को पूरा ये कहा गया था डॉक्टर्स एडवाइज, उन दिनों जो 2010 का प्रोटोकॉल था, आज बदल गए होंगे, कि हफ्ता के 10 दिन आपको पूरा बेड रेस्ट करना है और झुकना बिल्कुल नहीं, यू कांट बेंड. तो आई वेंट टू द मंदिर विद माय वाइफ. जो गुरुजी की जोत है समाधि के आगे, वहां मत्था टेकना होता है रूटीन में, लेकिन मैं खड़े खड़े हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्रिया कर रहा हूं कि गुरुजी थैंक यू फॉर गिविंग मी न्यू लाइफ. और जो भी मेरे मन की प्रेयर होगी मैं गुरुजी के साथ कर रहा था और कहा कि गुरुजी माफ करना, मैं आज झुक के नीचे मत्था नहीं टेक सकता, मेरे को मना किया डॉक्टर ने. बस कहने की बात थी. और जब मैंने आंखें खोली, साक्षात गुरुजी ज्योत के अंदर दर्शन दे रहे थे, इंप्लाइंग देर भाई कि तू नहीं मत्था टेक सकता तो कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूं. और ये मेरी इमेजिनेशन या हेल्यूसिनेशन नहीं थी कि मैंने ज्योत में गुरुजी का दर्शन दिए. देखा देखी आसपास संगत के कई लोगों ने आके गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए और अपने कैमराज में फोटो भी ली.
ये है मेरे गुरुजी। हम घर आए 23 तारीख और एक बहुत अजीब बात यह हुई कि वहां उन दिनों में 2010 में एवरी फ्राइडे आफ्टरनून लेडीज का एक गुरुजी का सत्संग होता था, ग्रुप बना हुआ था जो उस समय ओल्गा आंटी ने बनाया था। उसके अंदर 400-500 लेडीज बैठ के गुरुजी का सत्संग भजन करते थे। और मेरी वाइफ ने उस आंटी को मई 2010 में पूछा था कि मैं कराना चाहती हूँ, मेरे को आंटी मेरे को टर्न कब दोगे, तो उसने सीधा कह दिया 24 दिसंबर। एंड माई आंटी वॉज वेरी कट अप, शी केम होम, शी सेज ये क्या बात हुई कि मैंने आज मई में कहा है कि मैं सत्संग कराना चाह रही हूं, मेरे को 7 महीने बाद की डेट दे दी। एनीवे आप कुछ कर तो सकते नहीं, चुप रहे। लेकिन उस दिन जब 24 को ये सत्संग प्लान किया हुआ था, तब समझ आई कि ये गुरुजी ने ही प्लान किया था कि तू ठीक होके आएगा तो शुक्राने का सत्संग तो करना ही है, इमीडिएटली करो। अब 22 रात को हम आए हैं, 23 सुबह मंदिर होके आए दोपहर को, अब नेक्स्ट डे सत्संग करना है, 400-500 संगत भी आने की एक्सपेक्टेड होती है, ये सारे अरेंजमेंट इतने घंटों में कैसे हो जाएंगे। पर गुरु जी जानते हैं कि संगत की इतनी सपोर्ट रही और संगत के साथ जुड़ के हमने वो सत्संग फ्राइडे को 24 को किया। और कुछ लोग घर में नहीं बैठ पाए, ब्राइट सनी डे, बहुत सारे लोग बाहर लॉन में बैठे। और उस समय मेरे लड़के ने वहां सत्संग करके पहली दफा फैमिली को, लाइक माय इन-लॉज वर देयर, एंड संगत को बताया कि ऐसे ऐसे हमारी हार्ट प्रॉब्लम होगी और मैं 3 स्टेंट डलवा के आया। वी हैव नॉट टोल्ड माय इन-लॉज बिकॉज एट देयर एज आई डिडंट वांट देम टू फील अनइजी, दूर बैठे को कर नहीं सकते। पर बजाय इसके कि हम उनको आके 23 को बोलते, यही फैसला हुआ कि 24 को सत्संग के दौरान इनको बताया जाएगा, जैसे बाकी संगत को बताया जाएगा। तो 24 को ये थैंक्स गिविंग सत्संग गुरुजी ने मई में प्लान कर लिया था, वो हुआ, संगत आई। उसके बाद गुरुजी ने कुछ देर के बाद, जब मैं ठीक हो गया, कंफर्टेबल हो गया, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग नेचुरली हाल पूछने तो आते ही हैं, लेकिन मेरे कमरे में ऑफिस के गुरुजी का स्वरूप पड़ा रहता था जहां जोत जलती रहती थी, तो पूछते थे ये कौन है। और मैं सबको ये कहता था ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही मेरे को लाइफ दी है। तो फिर लोगों को कैसे लाइफ दी है, उसी तरीके मेरा तो यही इंटरेस्ट था, कोई पूछे तो मैं उसको सत्संग सुनाऊं। और मैं सत्संग कर करके अपने दफ्तर में, फ्रेंड सर्कल में, जहां हां सोशल सर्कल में बहुत सारी संगत जोड़ी। वो एक दफा तो गुरुजी के पास जरूर गए कि ये क्या करिश्मा है, क्या हो रहा है। उसके बाद उनको कितना बिलीफ हुआ, कंटिन्यू किए कि नहीं, मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, ना ही मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि संगत इतनी बढ़ गई है, हमें जो आए वो तो वेलकम है ही, जो नहीं आए वो उसकी मर्जी, उसकी अपनी खुशी, हमें उससे कोई रंजिश नहीं है। गुरु जी के साथ मैं 6 साल 2001 से 7 तक उनको चोला जामा फिजिकल रूप में उनके साथ रहा। और भी बड़े सत्संग है मैंने तभी सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म में किए, लेकिन चोला छोड़ने के बाद के भी उतने ही सत्संग, उतने ही पावरफुल सत्संग। और बहुत सारे आंटीज अंकल्स जो सत्संग करते हैं वो हमेशा गुरुजी की महिमा दर्शाते हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजी के सत्संग कभी पुराने नहीं होते,
कोई ये कहे कि मैंने ये सत्संग सुना हुआ है, वो गुरु जी की महिमा को जान ही नहीं पाया। आप कुछ स्टोरी हो तो कह सकते हो मैंने ये स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन सत्संग जितनी बार आप सुनोगे, जिसका भी सुनोगे, सेम सत्संग सुनोगे, आपको उसके अंदर हमेशा एक नया पहलू, एक नया पक्ष नजर आएगा, जिससे गुरु जी की महिमा आपको समझ आएगी, जो आपने पहले 2-3-4 दफा सुना होगा तो मन में नहीं आया होगा। एवरी टाइम यू हेयर गुरु जी सत्संग, सेम सत्संग, रिपीटेड सत्संग, यू फाइंड समथिंग न्यू एंड यू एडमायर गुरु जी, अरे गुरु जी ये भी कर सकते थे, ये तो मैंने सोचा नहीं था। इसलिए गुरु जी जब किसी को भी कहते थे सत्संग सुनाओ, उनने कभी नहीं कहा नए वाला सुनाओ, उन्होंने कहा सत्संग सुनाओ जो आपके साथ हुआ है। और मैंने कई अंकल आंटियों के एक ही सत्संग 20-20 बार सुने, लेकिन हमेशा उसके अंदर गुरु की महिमा नए तरीके से देखी, गुरु की ब्लेसिंग नए तरीके से देखी। अगर मैं उसको पुराना सत्संग या स्टोरी समझता तो फिर वो सत्संग नहीं रह जाता। सत्संग का मतलब ही होता है कि सत मीन्स सच, और संग मीन्स अपने संगियों के साथ, अपने संगत के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करो जो सच बेस्ड है, सच के ऊपर ट्रुथफुल है। उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए सत्संग में, क्योंकि दैट हैपेंस ओनली इन स्टोरीज, सत्संग आर एक्चुअल फैक्ट्स। और गुरु जी हमेशा जब किसी को कहते थे सत्संग सुना, अगर वो कहता था गुरु जी कौन से वाला सुनाओ, तो गुरु जी कहते थे तू शुरू कर दे, फिर एक दो सुनाता था तो कहते गुरु जी वो वाला भी सुना दे, पर शॉर्ट में सुनाई। लेकिन उस सत्संग में जब कोई कहता था गुरु जी आप तो बड़े करने वाले हो, आप ये भी कर लेते वो भी कर लेते, then he used to in a lighter vein tell that संगत, छोटी संगत में जब ग्रुप में बैठे होते थे, कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, रिद्धियां सिद्धियां करके नहीं बैठा हुआ। और जो प्रैक्टिकल गुरु होता है उसको जानने में आपकी लाइफ टाइम निकल जाती है, कई दफा समझ नहीं आती, और जो समझ ले और जो मेरे को पहचान लेंगे वो तो तर ही जाएंगे। आज कोरोना ने बहुत सारे, इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को पीड़ित किया है, पर गुरुजी आज से 20 साल पहले ही कह के गए हैं कि बहुत माड़ा समा आने वाला है, बहुत ही माड़ा समा आने वाला है, वही बचेंगे जो सिमरन करते रहेंगे। सो माई सिंसियर सजेशन टू द होल संगत इज कि गुरुजी का ये मैसेज जो है ये बहुत इटर्नल और परमानेंट है, कि आप सिमरन करो, आपको कोई महामारी तंग नहीं करेगी। लेकिन आप सिमरन से दूर हो जाओ, जैसे गुरुजी ने कहा था कि सारे धर्म एक ही चीज सिखाते हैं कि जितना हो सके किसी का भलाई करो, अगर नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल नहीं करो। अगर हम ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं तो कोई भी महामारी हमें तंग नहीं करेगी। एक सिमरन करें और एक लोगों का भला करें, जो गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने अपने जीवन काल में जितने भी लेसन दिए, जितने भी मैसेजेस दिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनकी समझ हमें बहुत लेट आई। पर फिर भी एटलीस्ट मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि मेरे को समझ आ तो गई। कईयों को अभी भी नहीं आई होगी और कई अभी भी उसको सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। गुरुजी की महासमाधि के बाद बहुत सारे लोग आते थे शुरू में कि ये सपना है गुरुजी का, इसका मतलब क्या है। भी आपको सपना आया है, आपके लिए है, इसमें क्या मैसेज है आप ही को मालूम है, आपको अपनी फैमिली की बैकग्राउंड आपको मालूम है,
तो सपने को इंटरप्रेट आप ही को करना है। तो इसलिए गुरुजी का सपना आना, इट इज बेसिकली गिविंग यू ए मैसेज एंड दैट मैसेज हैज ए बैकग्राउंड विच यू अलोन नो। तो इसलिए वो मैसेज, वो बैकग्राउंड वो आपके लिए, और आप ही उसको इंटरप्रेट करके गुरुजी का मैसेज समझें। एक चीज गुरुजी जरूर कहते थे कि जब गुरुजी कि जब गुरु सपनों में आता है आपके लिए सपना होता है। इफ ही कम्स इन माई ड्रीम आई फील ही हैज कम इन अ ड्रीम, अतिशय गुरु खुद आता है। आपके लिए सपना होता है पर गुरु खुद चल के आता है। तो अगर आप ये भाव लेके चलें कि जब गुरुजी सपने में आते हैं तो गुरु खुद आते हैं, और जब खुद आते हैं तो आपका कल्याण करने, आपको ब्लेसिंग देने, आपका अच्छा बुरा सोच के आपको कोई एडवाइस कोई मैसेज देने आते हैं, उसको बहुत सीरियसली और सिंसियरली लीजिए। डोंट टेक इट लाइटली। गुरुजी कहते होते थे कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर आप भला करोगे सबका तो आपका भी भला होगा जब जरूरत आएगी, जब टाइम आएगा। गुरुजी के सत्संग शेयर करने के लिए बहुत हैं, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट देखते हुए मैं आज यहीं पे इस सत्संग को विराम देता हूं। और गुरुजी की महासमाधि के इस दिवस के ऊपर, जबकि 14 साल हो गए उनको चोला छोड़े हुए, और हम में से जिन्होंने उनको फिजिकल रूप में भी देखा, पोस्ट समाधि भी देखा, वो समझ सकते हैं कि कैसे कुछ 100 से, कुछ 1000 से, कुछ लाख तक संगत पहुंच गई, इसका क्या कारण रहा होगा। जब जब संगत को पता चला कि गुरुजी ही महाशिव हैं, गुरुजी ही परमात्मा हैं, गुरुजी ही रब हैं, वो तो सिर्फ दुनिया देखने के लिए एक फिजिकल रूप में आए थे, तब तब ये विश्वास इसका दृढ़ हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसको फिर इधर उधर कहीं भी और कोई आसरा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं गुरुजी के आश्रम और सारे ऑर्गेनाइजर का indebted, thankful to them, और मेरे को उम्मीद है कि इस मैसेज के थ्रू मैं ये मैसेज सारी उस नई संगत को दे पाऊंगा जिसके मन में ये थोड़ा सा भी भरम हो कि जो गुरुजी के टाइम संगत आती थी वो ज्यादा ब्लेस्ड है, बाद वाली कम हो। क्योंकि मैंने आज इसलिए ये सत्संग किया जो गुरुजी की महासमाधि के बाद का है। आप गुरु साथ जुड़ो, गुरु हमेशा आपके साथ है। जय गुरुजी।